हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा और रेखा द इंडियन मॉम में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल अच्छे। फ्रेंड्स, आज हम आपके लेके आए हैं काला गुलाब जामुन। बनाने में बहुत ही आसान है और गुलाब जामुन तो सभी के बहुत फेवरेट होते हैं और काला गुलाब जामुन तो बच्चों का बहुत ही ज्यादा फेवरेट होता है। तो फ्रेंड्स, आइए आज काला गुलाब जामुन बनाते हैं। आज हम काला गुलाब जामुन बनाने जा रहे हैं। काला गुलाब जामुन बनाने के लिए हमने ली है कढ़ाई और इसमें डाल देंगे हम 2 कप चीनी। 2 कप चीनी हमने डाल दी है। चीनी हमें गुलाब जामुन के अंदर ज्यादा लेनी है क्योंकि हम चाशनी बनाते हैं। चाशनी में गुलाब जामुन अच्छी तरह से डिप हो जाए इसलिए चाशनी की क्वांटिटी भी थोड़ी ज्यादा ही रखते हैं। अब हम डाल देंगे यहाँ पे 2 कप पानी। जिस कप से हमने चीनी ली है उसी कप से हमने पानी लिया है। गैस के फ्लेम को हमने हाई किया हुआ है। चीनी को हम घुलने देंगे, इस तरह से एक दो बार हिला देंगे ताकि चीनी आसानी से और जल्दी से घुल जाए। देखिए, चीनी घुल चुकी है और पानी में बहुत अच्छे से उबाल आ गया है। अभी इसको हमें हल्का सा पका लेना है क्योंकि गुलाब जामुन की जो चाशनी है वो तार वाली तैयार नहीं की जाती है, बिल्कुल चिपचिपी वाली चाशनी तैयार की जाती है, इसलिए अभी हम इसको उबलने देना है। हमने यहाँ पे 2 इलायची का पाउडर तैयार करके रखा है, ये भी हम चाशनी में डाल देंगे। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप इलायची स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही हम डाल देंगे थोड़े से केसर के धागे। काला गुलाब जामुन बना रहे हैं, इसमें केसर का धागा बहुत ही अच्छा लगता है। केसर का जो फ्लेवर आता है वो बहुत ही अच्छा आता है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे ताकि केसर का भी इसमें कलर आ जाए। गुलाब जामुन के लिए चाशनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। देखिए, जो हमने केसर डाली थी उसका कलर भी आ गया है और इलायची की खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। गैस के फ्लेम को हमने बंद कर दिया है। पहले भी मैंने आपको चाशनी चेक करने का तरीका बता दिया है। गुलाब जामुन की जो चाशनी है वो हल्की चिपचिपी होती है। आप इस तरह से हाथ पे लेकर के और इस तरह से देख लीजिए, ये देखिए, बस हल्का सा चिपचिपापन होना चाहिए चाशनी में, कोई तार नहीं होना चाहिए। अब हमने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है। चाशनी को एक साइड में रख देंगे और गुलाब जामुन बनाने की तैयारी करेंगे। हमने यहाँ पे लिया है एक बड़े साइज का बाउल और यहाँ पे हम ले रहे हैं मिल्क पाउडर। वजन में लगभग 150 ग्राम के आसपास है और वैसे हमने ये 1 कप लिया है। जिस कप से हमने चीनी नापी थी उसी कप से हमने मिल्क पाउडर नाप करके लिया है। मिल्क पाउडर डालने के बाद अब हम डालेंगे 1 चम्मच सूजी। सूजी को मैंने बारीक पीस लिया है। साथ ही हम डाल देंगे 2 चम्मच मैदा। जिस चम्मच से हमने सूजी और मैदा डाली है उसी चम्मच से हम 1 चम्मच घी डाल देंगे। देखिए, मैंने घी डाल दिया है। सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सभी चीजों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम डाल देंगे 2 पिंच बेकिंग सोडा। अगर आपके पास में बेकिंग सोडा नहीं है तो आप इसमें बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं। बेकिंग सोडा डालने के बाद भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हमने यहाँ पे लिया है 1/2 ग्लास दूध, रूम टेम्परेचर पर है। थोड़ा थोड़ा डाल करके हम इसका सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। काला गुलाब जामुन बनाने के लिए हमने सॉफ्ट डो लगा करके तैयार कर लिया है। हमने इसमें सूजी डाली है और सूजी आपको पता है कि थोड़ा फूलती है, तो इसलिए हमने क्या इसको थोड़ा गीला लगाया है। इसको 10 मिनट के लिए ढककर के रख देंगे। इसमें से थोड़ा सा डो हम अलग कर लेंगे। काला गुलाब जामुन बनाने के लिए हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग तैयार करने के लिए हमने थोड़ा सा डो अलग निकाल लिया था। साथ ही मैं डाल रही हूँ बारीक कुटे हुए काजू, ये मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 चम्मच। लगभग 1 चम्मच के आसपास हमने लिया है हरा पिस्ता, ये भी हमने बारीक कूट के रखा है। 1 चम्मच के आसपास हमने बादाम लिए हैं। सभी चीजों को हमने एकदम बारीक करके रखा हुआ है। 1/4 चम्मच हमने इलायची पाउडर तैयार करके रखा हुआ है, इलायची पाउडर भी डाल देंगे। अगर आप इलायची पाउडर नहीं डालना चाहते हैं तो गुलाब जल या केवड़ा भी डाल सकते हैं। और थोड़ी सी मैंने केसर पानी में भिगो के रखी थी, ये केसर भी हम डाल देंगे, इससे कलर और फ्लेवर दोनों बहुत अच्छे आएंगे। केसर वाली कटोरी को हमने थोड़ा सा दूध डाल के अच्छे से धो लिया है और दूध को हम इसी में डाल देंगे। ज्यादा नहीं डालना है, पहले हम 1 चम्मच दूध डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए, केसर डालने से कलर कितना अच्छा आया है। अगर आप चाहते हैं, अगर आपको कलर लाइट लग रहा है तो आप थोड़ा सा फूड कलर भी डाल सकते हैं। काला गुलाब जामुन के लिए स्टफिंग हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम डाल देंगे लगभग 1 चम्मच के आसपास शुगर पाउडर। शुगर पाउडर डाल के भी हम स्टफिंग को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमारा गुलाब जामुन है अंदर तक मीठा हो जाए। देखिए, काला गुलाब जामुन के लिए हमारी स्टफिंग बिल्कुल रेडी है। अब हम इसकी छोटी छोटी बॉल बना लेंगे।
स्टफिंग के लिए हमने बिल्कुल छोटी छोटी गोलियां तैयार कर ली हैं। आइए काला गुलाब जामुन बनाना स्टार्ट करते हैं। हल्का सा हाथ पे घी लगा लेंगे। देखिए हमने इसमें सूजी डाली थी तो इसलिए कितना टाइट हो गया है हमारा डो। इसको अच्छी तरह से इस तरह से मल मल के सॉफ्ट कर लेंगे। एक चम्मच के आसपास हमने दूध लिया है। थोड़ा सा डो को हमें इसको सॉफ्ट करना है क्योंकि डो जो है हमारा वो बहुत ज्यादा टाइट हो गया है। देखिए इस तरह से थोड़ा सा डो लेंगे और इसको अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे। इस तरह से हथेलियों के बीच में करके बहुत आहिस्ता आहिस्ता हमें इसको घुमाना है ताकि जो देखिए कितना बढ़िया हमारा गुलाब जामुन बनके तैयार हुआ है, कहीं भी इसमें दरार नहीं है। अब हम इसको इस तरह से फैला लेंगे ताकि स्टफिंग आराम से अच्छी तरह से भर जाए और इस तरह से इसको सब तरफ से कवर कर देंगे। बहुत अच्छी तरह से इसको कवर कर देंगे और आहिस्ता आहिस्ता इसको इसको गोल इस तरह से घुमा देंगे। इसी तरह से हम सारे गुलाब जामुन बना के तैयार कर लेंगे। देखिए हमने थोड़ा सा डो लिया है, इसको गोल कर लिया है। अब इसको इस तरह से फैला लेंगे और जो स्टफिंग की बॉल हमने तैयार करी है उसको इसमें बीच में रख देंगे और चारों तरफ से कवर कर देंगे। देखिए कितना बढ़िया से हमारा गुलाब जामुन तैयार हुआ है। इसी तरह से सारे गुलाब जामुन तैयार कर लेंगे। सभी गुलाब जामुन हमने बना के तैयार कर लिए हैं। आइए फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे घी गरम होने के लिए रख दिया है। घी को हमने हल्का गरम कर लिया है। अब हम तैयार किए हुए गुलाब जामुन घी में डाल देंगे। और मीडियम लो फ्लेम पर गुलाब जामुन को हम फ्राई कर लेंगे। गुलाब जामुन की साइड को चेंज कर देंगे। देखिए साइड चेंज करते थे हमने गुलाब जामुन को सेक लिया है और अभी हमें इसको डार्क कर लेना है क्योंकि हम काला गुलाब जामुन बना रहे हैं। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी हमारे गुलाब जामुन बनने वाले हैं। गैस के फ्लेम को हमें लो ही रखना है, हाई या मीडियम बिल्कुल नहीं करना है ताकि जो गुलाब जामुन है ये अंदर तक अच्छी तरह से सिक जाए। देखिए फ्रेंड्स हमारा काला गुलाब जामुन बनके बिल्कुल रेडी है। बहुत ही बढ़िया कलर आया है और चाशनी भी हमारी बिल्कुल तैयार है। हम गुलाब जामुन को निकाल करके डायरेक्ट चाशनी में डाल देंगे और इसी तरह से सारे गुलाब जामुन को हम डीप फ्राई कर लेंगे। देखिए गुलाब जामुन को हमने चाशनी में डाल दिया है और एक मिनट के लिए हम इस तरह से इनको उलट पुलट कर देंगे ताकि जो चाशनी है वो चारों तरफ गुलाब जामुन पे लग जाए। और इनको कम से कम एक घंटे के लिए हम इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि चाशनी गुलाब जामुन अच्छे से एब्जॉर्ब कर लें और अंदर तक मीठे हो जाएं। आइए बाकी के गुलाब जामुन भी तैयार कर लेते हैं। हमने सभी गुलाब जामुनों को चाशनी में डाल दिया है। देखिए कितने बढ़िया हमारे गुलाब जामुन बनके तैयार हुए हैं। अभी हम इनको एक घंटे के लिए ढक के रख देंगे ताकि अंदर तक हमारे गुलाब जामुन मीठे हो जाएं, चाशनी को एब्जॉर्ब कर लें। देखिए फ्रेंड्स हमारे काला गुलाब जामुन बनके बिल्कुल रेडी हो गए हैं। देखिए कितने अच्छे से रस इसमें आ गया है, सॉफ्ट भी हो गए हैं, दब भी रहे हैं अच्छी तरीके से। आइए सर्व कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स कितने बढ़िया हमारे काला गुलाब जामुन बनके तैयार हुए हैं। इस होली पर आप काला जामुन बनाएं, टेस्ट करें और अपने कमेंट्स हमसे शेयर करें और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।